सर देखिए यहाँ पे मैंने कुमारा फैशन ऐसे कुछ कंपनी ओपन किया हूँ. ऑलरेडी इट्स इंस्टॉल्ड इन ओरिसा. सो लास्ट 2 ईयर से ये पैकेज चल रहा है सर यहाँ पे. अच्छा यस सर. सो नाउ यहाँ पे मैं एक परचेज का सेक्शन दिखाता हूँ आपको. इस बंदे को परचेज के हिसाब से उसको क्या चाहिए, बारकोड्स चाहिए. सर बारकोड आके बैचेस में दिया है मैंने. सो यहाँ पे साइजेस मतलब गवर्नमेंट का साइजेस जो भी है ना, किड्डी जीन्स उसका साइज और उसका सेलिंग रेट और ये बारकोड बच जाएगा. सो हमारे फ्यूचर क्या है ना सर, यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैचेस में वो ऑप्शंस और कौन सा साइज और आइटम नेम और साइज भी यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे सर यहाँ से आपको बारकोड लेबल पे प्रिंट निकाल सकते हो. जैसे मैं प्रिंट करता हूँ ना यहाँ पे एक एक जैसे, सो इट्स गोइंग टू दैट. यहाँ पे हमने दिया है कुछ अराउंड 10 आइटम्स. सो बारकोड लेबल भी ऐसे आ जाएगा, कुमार फैशंस, आइटम नंबर, एमआरपी और साइज, उसके नीचे बारकोड ऐसे. सो ये वाला हो गया बारकोड का ट्रांसैक्शन एंड प्रिंटिंग ऑप्शन ऐसा. सो जैसे बनता है ना बारकोड लेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो रहता है ऐसा. यहाँ पे हमने टैली के अलावा एक दो वाउचर और एक्स्ट्रा बनाया, क्विक्स सेल्स और सेल्स रिटर्न वाला. सो इस क्विक सेल्स में आपको देखिए यहाँ पे कोड मिलेगा. सो यहाँ पे पूरा कोड के साथ रहता है. ये मल्टीपल है सर, आप बारकोड से बारकोड भी स्कैन कर सकते हो और नए चाहे तो आप टाइप हाथ से टाइप भी मार सकते हो ऐसा. सो यू कैन टाइप द नेम ऑफ द आइटम और मे बी अ साइज और मे बी अ डायरेक्टली कोड भी लगा सकते हो. मैं क्या करता हूँ, एक कोड लगा देता हूँ. सो इमीडिएटली यहाँ पे हो गया उसका प्रोडक्ट का नाम आ गया और उसका साइज आ गया, कितना जीएसटी परसेंट है वो परसेंटेज भी आ गया ऐसा. सो सेम टू सेम और एक मैंने एक फ्रॉक लगा दिया, इसको भी 12% है और जो जो भी आइटम है ना मैं यहाँ पे दिखा दिया मैंने ऐसा. सो एक छोटा सा आइटम देखता था. हाँ यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन स्लैब रेट के जैसे, मतलब 1000 रुपीज के अंदर हुआ तो 5%, उसके ज्यादा हुआ तो 12%. हाँ सर. सो नाउ जैसे आपने करते हो ना यहाँ पे पूछेगा सो स्वाइपिंग मशीन या कैश. अगर वो बंदा स्वाइपिंग कैश या स्वाइपिंग मांगा तो सो कैश, सपोज कैश ला दे. सपोज मेरा ही नाम था ऐसे कुछ मनमत, ऐसे मेरा मोबाइल नंबर ऐसे कुछ आया तो मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ गया. ओके सो नाउ जीएसटी नंबर हुआ तो अगर यहाँ से आप जीएसटी नंबर लगते हो ना, सो दिस इनवॉइस गोज टू द बी टू बी इनवॉइस. और यहाँ पे कुछ डिस्काउंट चाहे तो डिस्काउंट भी लगा सकते हो और या कुछ एक्सचेंज कुछ हुआ तो एक्सचेंज भी लगा सकते हो और टेंडर हुआ तो टेंडर. सो यहाँ पे डाल दिया कितना अमाउंट दे रहा हूँ मैं, 5000 अमाउंट दे रहा हूँ. सो बाकी का चेंज 126 है. जैसे मैंने एंटर सेव करता हूँ ना सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे प्रिंट दिख जाएगा. वो भी पोस्ट इनवॉइस अलॉन्ग विद जीएसटी कैलकुलेशन के साथ ऐसा. ये हो गया सो इनवॉइस सिस्टम का. समझ लीजिए कुछ दिन के बाद कुछ मैंने वापस देने आया हूँ. सो यहाँ पे इजी सेल्स रिटर्न से सेलेक्ट कर दिया मैंने कौन सा बिल है. सो मैंने कैश से ट्रांजैक्शन हुआ था, कैश सेलेक्ट कर दिया. सो यहाँ पे मेरा पूरा 1 मंथ का मुझे यहाँ पे बिल सही पे दिख जाएंगे इंस्टेंटली. अगर मेरा बिल मुझे पता नहीं है कौन सा बिल है, मैंने डायरेक्टली मेरा नाम दिखता हूँ. देखिए सर मेरे नाम पे आ गया यहाँ पे. मैंने प्रेस एंटर, सो मेरे नाम का डिटेल, मोबाइल का नंबर यहाँ पे आ गया. सो नाउ देख लीजिए मैंने क्या क्या परचेज किया है वो सभी यहाँ पे दिख जाए. सो अब मैं क्या करता हूँ, ये फ्रॉक को मैं रिटर्न वापस करना चाहता हूँ. जस्ट एक क्वांटिटी नाउ प्रेस एंटर एंड एंटर. सो यहाँ पे इनवॉइस देखिए, सो सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट नंबर और इनवॉइस नंबर और उसका जीएसटी भी रिवर्स का रिवर्सल जीएसटी ऐसा सिंपल यहाँ पे हो गया. सो डे बुक में देख एक बार देख लिया तो क्रेडिट नोट में देखिए, सो यहाँ पे इनवॉइस नंबर करेक्टली है. सो उसका इनवॉइस है यहाँ पे है. सो ये आके इंक्लूडिंग टैक्स से कैलकुलेशन हो गया है. सो देखिए यहाँ पे हाँ सर, अगर कुछ चेंजेस भी हुआ तो भी मींस चेंजेस मतलब है कुछ हुआ तो जस्ट लिटिल बिट सुकोडो से पैसे में होता रहता है. सो बाय डिफॉल्ट में भी थोड़ा कुछ एक या दो पैसे में ही अंतर रहता है. सो ऑल ओवर शुड बी अ कैलकुलेशन. एंड यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी टैक्स टैक्स का कैलकुलेशन पूरा यहाँ पे आ गया. सो मीन्स
1545 का अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी भी ले लिया। सो ये है एक छोटा सा बारकोड सिस्टम का सिलेक्शन है सर। अच्छा,